हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी यहां पर जानते हैं कि अभी यहां पर 2021 में विंडोज़ का न्यू अपडेट आया है, जिसके अंदर यहां पर आप यहां पर टास्क बार का यहां पर कलर चेंज कर सकते हैं। यहां पर देखिए थीम चेंज कर सकते हैं, यहां पर आप बैकग्राउंड का यहां पर कलर चेंज कर सकते हैं। यहां पर इजिली टास्क बार का ऊपर यहां पर कलर चेंज कर सकते हैं इजिली तरीके से। फिर भी यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से यहां पर कलर चेंज नहीं हो पा रहा है थीम वगैरह का। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यहां पर थीम का जो यहां पर कलर होता है बैकग्राउंड वगैरह का, ये कलर कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने बाद यहाँ पर आपको चलना होगा पर्सनलाइजिंग में। पर्सनलाइजिंग जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी यहाँ पर हमको चलना है कलर्स वाला ऑप्शन में। कलर्स वाला ऑप्शन जैसे चलते हैं बार बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टार्ट टास्क बार एंड एक्सेस एंटर यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर अभी लॉक है, यहाँ पर ओपन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर आप कलर वगैरह चेंज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर चलना होगा थीम्स में। थीम्स में चलने के बाद यहाँ पर आपको विंडोज़ दिखाई दे रहा होगा विंडोज़ फर्स्ट इमेज करके, इसके ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको यहाँ पर चलना है कलर्स में। कलर्स में चलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन था यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। तो इसके ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी नीचे टास्क बार मेन्यू का और यहाँ पर स्टार्टअप में यहाँ पर कलर सेट करना चाहते हैं, यहाँ पर इजिली कलर सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर ये कलर सेट कर देता हूँ, यहाँ पर पेल रस्ट। देखिए यहाँ पर ये इसका पूरा कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। देखिए हम यहाँ पर फिर से दोबारा यहाँ पर चेंज करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर रेड कलर कर दिया हमने। देखिए तो इस प्रकार से यहाँ पर इजिली आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।